दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले लेसन में हम लोगों ने Adobe Illustrator में टाइप टूल के हवाले से काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि Illustrator में हम पॉइंटर टेक्स्ट किस तरह से लेते हैं और इसी तरह से हम पैराग्राफ टेक्स्ट को किस तरह से क्रिएट करते हैं या एडिट करते हैं। हम लोगों ने पिछले लेसन में करेक्टर पैनल जो है टाइप टूल के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पर एक्चुअली हम अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं, सेटिंग कर रहे होते हैं, वो मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन पिछले लेसन में कुछ ऑप्शंस करेक्टर पैनल की जो हैं वो रह गई थी, जो कि इस लेसन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलें चलते हैं इलस्ट्रेटर की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं टाइप टूल को। जी तो दोस्तों, ये मैंने वही वाला सेंटेंस जो है दोबारा यहाँ पर टाइप करके रखा हुआ है टाइप टूल की मदद से। पॉइंटर टेक्स्ट से मैंने ये लिया है, टाइपोग्राफी इज़ इम्पॉर्टेंट इन ग्राफिक डिज़ाइन, और ये मैं यहाँ पे यही सेंटेंस दोबारा इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे और आप लोगों को बिल्कुल जहनों में महफूज हो जाए कि टाइपोग्राफी ग्राफिक डिज़ाइन के लिए किस कदर इंपॉर्टेंट है। तो चले मैं कुछ मज़ीद ऑप्शंस आपको करेक्टर पैनल के हवाले से बताना चाह रहा हूँ टाइप टूल में। ये जो दो तीन ऑप्शन अब हम डिस्कस करने लगे हैं करेक्टर पैनल के, ये वो ऑप्शन हैं जो कि बेसिकली डायरेक्टली टाइपोग्राफी के कॉन्सेप्ट के तौर पर भी हम इनको देख सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, एक आइकॉन है जिसपे मैं आके अगर कर्सर को मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है जी ट्रैकिंग फॉर द सिलेक्टेड कैरेक्टर्स। दोस्तों, ये ट्रैकिंग क्या है मैं आपको बताता चलूँ। ट्रैकिंग बेसिकली टाइपोग्राफी का एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम किसी भी जुमले में लिखे हुए जो अल्फाज होते हैं उन अल्फाज का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैनेज करते हैं। यानी हम देखते हैं कि अल्फाबेट्स के बीच में हॉरिजॉन्टली स्पेसिंग किस कदर मौजूद है, उसको हम एडिट कर सकते हैं। तो चलें ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों, इसके दो तरीके हैं, आप ये देख सकते हैं अपर एरो और लोअर एरो हमारे पास मौजूद है। अगर मैं अपर एरो पे क्लिक करूँ और इस पे मैं यहाँ पे होल्ड कर लूँ तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे जो अल्फाबेट्स हैं इनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपस में बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे गौर करने की एक बात यह है कि तमाम अल्फाबेट्स के बीच में जो सेंटर में जो स्पेसेस आ रही हैं वो स्पेसेस एक तरह की क्रिएट हो रही हैं। यानी अगर ये ग्राफिक वर्ड लिखा हुआ है तो जी आर ए पी एच आई और सी के दरमियान एक जैसी स्पेस जो है वो आपको नजर आएगी। इसी तरह से अगर ये मैं लोअर एरो पे होल्ड रखूं क्लिक करके तो ये मेरी स्पेस जो है वो कम होती है आपको नजर आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और ये पैनल जो है अपना ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे राइट साइड पे ले जाता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए। अच्छा, इसी तरह से हम यहाँ पे अगर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। पॉजिटिव में भी हम प्लस में भी लेके जा सकते हैं और माइनस में भी लेके जा सकते हैं। प्लस में हम जितना ऐड करते जाएंगे तो स्पेस जो है वो उतनी बढ़ती जाएगी अल्फाबेट्स के बीच में, और हम जितना नेगेटिव में लेके जाएंगे वैल्यू को उतनी ही स्पेस जो है वो घट जाएगी। जिस तरह से ये -100 मैंने वैल्यू लगाई है तो ये आप देख सकते हैं कि अल्फाबेट्स बिल्कुल एक दूसरे के अंदर जो है वो मर्ज होते हुए हमें फील हो रहे हैं। तो इसको मैं जो है वापस लेके आता हूँ जीरो पे, जो कि नॉर्मल मेरे पास जो है वो स्पेस अवेलेबल है इस वक्त। ये आप लोगों ने देखा कि ट्रैकिंग की मदद से हम लोग किस तरह से अल्फाबेट्स के आपस की जो स्पेसेस हैं उनको हम मैनेज करते हैं। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ आपको बताने लगूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं टाइप टूल में जाके यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एक लूँगा। ये देखें, ये मैंने एक पैराग्राफ ले लिया, मैं यहाँ से इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा जो है वो छोटा कर देता हूँ। मैं इसको फिलहाल 14 का साइज लगा रहा हूँ। अब ये मेरे पास तकरीबन 4-5 लाइंस आ गई हैं। अच्छा, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन मज़ीद अवेलेबल है, सेट द लीडिंग। दोस्तों, लीडिंग का मतलब है टाइपोग्राफी के अंदर कि आप लाइन्स की वर्टिकल स्पेस को मैनेज कर रहे हैं। यानी कि अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है तो उस पैराग्राफ में जितनी लाइनें ऊपर नीचे लिखी गई हैं उनकी जो वर्टिकल स्पेसिंग आपस में है उसको आप एडिट कर सकते हैं लीडिंग के थ्रू। अगर मैं यहां से अपर एरो को सिलेक्ट करूं तो ये देखें, ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस है मेरी लाइनों के बीच में ये बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से इसको मैं जो है वो कम भी कर सकता हूं और ज्यादा भी कर सकता हूं। अगर मैं ये फॉर एग्जांपल 6 पे लेके हूं तो आप देख सकते हैं कि अल्फाज जो लाइन्स हैं वो बिल्कुल आपस में जंबल अप होती हुई आपको नजर आ रही हैं। इसी तरह से मैं देख सकता हूँ 14 पे मुझे ये काफ़ी स्टैंडर्ड लग रहा है, मुनासिब लग रहा है, और इसके अलावा हम इसको मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। अक्सर हम क्या करते हैं, जब हमारे पास टाइम कम होता है और हम इसको चाहते हैं कि इलस्ट्रेटर खुद से मैनेज करे स्पेसिंग को, तो हम ये ऑटो की एक ऑप्शन है इसको क्लिक करके रखते हैं। अगर आप ऑटो पर क्लिक करेंगे तो इलस्ट्रेटर खुद ब खुद ही लीडिंग को जो है वो अपने आप सेट कर देगा। अच्छा जी, ये हो गई आपकी लीडिंग।
अब मैं दोबारा से पॉइंटर टेक्स्ट ले रहा हूं थोड़ा सा। ये पॉइंटर टेक्स्ट दोस्तों मैं इसीलिए ले रहा हूं ताकि मैं आपको जो है वो एक और नया कॉन्सेप्ट जो हमारे पास यहां पे मौजूद है वो मैं आपको बता सकूं। फर्स्ट लेट मी टाइप दिस। ये लें जी हमारा जो है वो पॉइंटर टेक्स्ट आ गया। अच्छा यहां पे हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है जिसको कहते हैं जी कर्निंग। कर्निंग का मतलब क्या है दोस्तों? कर्निंग का मतलब है, पहले हमने जब फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमने देखा कि हमने जो अल्फाबेट्स थे उनकी हॉरिजॉन्टल स्पेसेस को मैनेज किया, लेकिन जब हम उस तरह से स्पेसेस को मैनेज कर रहे थे तो तमाम स्पेसेस इवनली आ रही थी। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एक ऑप्शन है कर्निंग के अंदर। कर्निंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि कोई से दो अल्फाबेट्स की आपस की जो स्पेसेस हैं उनको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बल्कि मैं ये सेंटेंस जो है ये मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक सिंगल वर्ड टाइप कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी टेक्स्ट, और इसका मैं साइज थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। अच्छा ये देखें, आप देख सकते हैं कि टी और ई के दरमियान जो स्पेस है वो आपको काफ़ी ज़्यादा लग रही है, जबकि ई और एक्स और टी के दरमियान में जो स्पेस है वो काफ़ी आपको इवन लग रही है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि हम टी प्रेस करते हैं, यहाँ पे आके क्लिक करते हैं और हम यहाँ से इस स्पेस को जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, अगर हम प्लस में जाएंगे तो बढ़ती जाएगी, अगर हम माइनस में आएंगे तो ये स्पेस जो है ये घटती जाएगी। इसी तरह से आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आप एरो की ऑल्ट प्रेस करके रखें और राइट एरो की से अगर आप इसको दूर लेके जा सकते हैं और लेफ्ट एरो की से ई को टी के करीब लेके आ सकते हैं। तो ये आपने देखा कि हम लोगों ने कर्निंग के अंदर कितने आराम से किसी भी दो अल्फाबेट्स के बीच में जो हॉरिजॉन्टल स्पेसेस हैं उनको हमने मैनेज किया। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। अब मज़ीद मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको जो है वो मज़ीद ऑप्शन जो हैं उनके हवाले से गाइड करता चलूँ। मैं ये डमी टेक्स्ट ले रहा हूँ फिलहाल, और ये हम देखते हैं जी नीचे हमारे पास क्या अवेलेबल है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल स्केल की ऑप्शन मौजूद है, हम वर्टिकली अपने टेक्स्ट का जो साइज़ है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगेन याद रखें, अगर हम सिर्फ वर्टिकली अपने टेक्स्ट का स्पेस बढ़ाएंगे तो वो वर्टिकली डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इसलिए अगर आप वर्टिकली बढ़ाएं तो याद रखें आप हॉरिजॉन्टली भी उसका जो साइज़ है वो भी बढ़ाएं, जो कि ऑप्शन आपके पास बिल्कुल यहाँ पर राइट पर अवेलेबल है। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो हॉरिजॉन्टल साइज है वो बढ़ता जाएगा टेक्स्ट का। अच्छा जी, इसी तरह से नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास बेसलाइन शिफ्ट की एक ऑप्शन है। इसकी मदद से बेसलाइन जो है वो आपकी किसी भी सेंटेंस की वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकती है। यहाँ पे अब आ जाते हैं जी नीचे। अच्छा नीचे यहाँ पे हमारे पास कुछ ये टी लिखे हुए नजर आ रहे हैं, उस पर लिखा हुआ ऑल कैप्स। ऑल कैप्स का मतलब है कि तमाम अल्फाबेट्स कैपिटल हो जाएंगे। इसके साथ ही हमारे पास है जी स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स का मतलब है कि जो पहला अल्फाबेट है वर्ड का वो कैपिटल रहेगा, बाकी जो हैं उनका साइज जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको छोटा मिलेगा। इसके बाद एक ऑप्शन है जी सुपर स्क्रिप्ट की। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि हम लोग पढ़ते थे मैथ्स के अंदर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब ये जो स्क्वेयर वाली जो ऑप्शन थी ये मैं आपको करके बताता हूँ। ये मैंने लिखा है एक्स टू प्लस वाई टू। अब ये टू को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे आके कर देता हूँ सुपर स्क्रिप्ट। तो ये आप देखें कि बिल्कुल जैसा मैथ्स के फॉर्मूला में स्क्वायर ऊपर लिखा होता था उस तरह से ये सुपर स्क्रिप्ट में ऊपर चला गया। इसी तरह से मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल ओ और उसके बाद टू। अब ये जो टू है आपको पता ही है केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला है ओ टू। अब इसमें टू को जाना चाहिए नीचे, तो यहाँ पर मैं टू को सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर आके सब स्क्रिप्ट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही सबस्क्रिप्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि जो आपका टू है ये नीचे चला गया हमारे पास। अच्छा एक और बात यहाँ पे याद रखें कि आमतौर पे होता क्या है कि ये वाली ऑप्शन जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो इनको हम ऑन ही छोड़ देते हैं, जिससे बाद में जो है वो हमें प्रॉब्लम होती है। तो याद रखें कि ये ऑप्शन साथ साथ आपने जब भी आप एक्सप्लोर करें या यूज़ करें साथ साथ आप ऑफ करते जाएँ। ये हमने लिया जी डमी टेक्स्ट, और ये हमारे पास दो और ऑप्शन हैं। एक ये है अंडरलाइन की, जिससे हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ। और एक ये है स्ट्राइक थ्रू की, जिससे हमारे टेक्स्ट के बीच में एक लाइन ऐड हो जाएगी। दोस्तों इस लेसन में हमने देखा कि हम इलस्ट्रेटर के अंदर ट्रैकिंग, लीडिंग और कर्निंग जैसी जो इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्निक्स हैं उनको हम किस तरह से टाइप टूल की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं।
और अपने टेक्स्ट को जो है वो इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इस लेसन में हमने करेक्टर पैनल अपना जो है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको टाइप टूल के हवाले से ही पैराग्राफ को फॉर्मेट करना सिखाऊंगा। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट लेसन में पैराग्राफ टेक्स्ट के साथ।